वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली खान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ दो चीज़ें। एक तो मैं बना रही हूँ अपने भाई की फरमाइश पे डायनामेट चिकन डायनामेट, और मैं देख रही थी चिपकली तो नहीं है, तो बहुत ही एक वियर्ड सीन हुआ है हमारे साथ। खैर, और जो सबसे बड़े मज़े की और से मुझे मतीरा याद आ जाती है तो जो सबसे मज़े की मैं चीज़ बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ नेपाली चकोनी, जो कि बहुत ही डिलिशियस एंड वेरी 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 सिंपल होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अच्छे से दही मिक्स कर लिया है और ये मेरे बॉयल आलू और साथ मैंने प्याज कट कर लिए हैं दो छोटे साइज़ के। और यहाँ पे मसालों में क्या जाएगा, मसालों में जाएगा हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और हाफ टेबल स्पून जाएगा आमचूर पाउडर या थोड़ा सा कम अनारदाना पाउडर। सॉरी, सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए। अब मैं आलू प्याज ऐड करूँगी। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। सीन ये है कि मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, रेसिपी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और ड्रेसिंग अभी जो मेन है वो रेडी होगी। ऑफकोर्स मेरी एक्चुअली एक कॉल आ गई थी जिसमें मैं लंबी हो गई थी, तो खैर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चिकन फ्राई हो रहा है और ये एक फ्राई हो चुका है। मैंने क्या कोटिंग की है, क्या डाला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये चिकन है जो कि मैरिनेट हुआ हुआ है, इसमें मैंने डाला है लहसुन पाउडर, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, और थोड़ा सा लीमू। साथ में कॉर्नफ्लोर है और मैदा है, और इसमें मैंने काली मिर्च डाली हुई है, और ये एग है जो कि मैंने विस्क कर लिया था, और ये हो रहा है फ्राई। मुझे कॉल आ गई थी मामी की, और मामी की कॉल मुझे बहुत दिनों बाद आई है, हम लोग की बहुत दिनों बाद बात हो रही थी, तो वो कॉल मेरी चली गई लंबी 1 घंटे की। तो बस अभी मैंने फटाफट कॉल बंद की और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ और फटाफट अपना खाना भी कर लूँ, क्योंकि 8 बजे और 10 बजे गैस चली जाएगी। मेरा चिकन हो चुका है अच्छे से फ्राई। अब ये सब सॉसेस में डालूंगी और एक एक करके आप लोगों को बताऊँगी। पहले हम डालेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून। पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरा तुक्का बहुत कंट्रोल होता है, तो मैं अंदाजे से डाल देती हूँ, जो बनाता है उसको पता होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए मैं कितना डाल रही हूँ। नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस हम डालेंगे 3.5 टेबल स्पून। की हॉट चिली सॉस हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। ये नहीं है कि मैं जिस ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ आप भी उसी की यूज़ करें, आप किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। कैचअप में डालूंगी 4 टेबल स्पून। गार्लिक सॉस में डालूंगी 2.5 टेबल स्पून। मैं इसके जाएगा हनी 1.5 टेबल स्पून। आप हनी भी डाल सकते हैं, स्वीट थाई चिली सॉस भी डिपेट की डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हमारी सॉस हो चुकी है रेडी, अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन और एक अच्छा सा मिक्स इसे दे देंगे हल्के हाथ का। हमारा डायनामाइट चिकन अब माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब हम इस तरह इसमें ऐड करेंगे, और ये बाबा मार रहे हैं छिपकली। किधर है तुम बाबा? डांस चल रहा है। तू छिपकली किधर है? बाहर भाग गई। लॉक कर दो बाहर फिर। इन्होंने मुझे किचन से बुलाया, ये बाप बेटे छिपकली मारने लगे हुए हैं। माशाल्लाह मेरा डायनामाइट चिकन हो चुका है रेडी, और ये बहुत यमी और बहुत हसीन लग रहा है। प्लीज़ मेयोनीज ज़रूर ऐड करें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ा। हमारा रह गया था तड़का, और तड़का मुझे सबसे एंड पे लगाना था ताकि गर्म गर्म नहीं रहे और खाने में बहुत अच्छा आया। खैर, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में तड़का शुरू किया। मेरा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, और एंड पे मैं डालूँगी कसूरी मेथी। और यहाँ पर हमारा ये दही में मैंने धनिया ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हमारा तड़का। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी चकोनी, नेपाली चकोनी भी रेडी हो चुकी है। ये नेपाली डिश है जो कि बहुत डिलिशियस है, बहुत डिलिशियस। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये ट्रे जा रही है सबसे पहले आंटी को। तो मेरे राइस हो चुके हैं रेडी, और अली गई है शॉवर लेने। जैसे ही अली आएँगे फिर हम खाना खाएँगे, और कराची की गर्मी नहीं जा रही है, बहुत बुरा मौसम चल रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।